अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये हमारे मुनीब भाई, ये हमारे सभी भाई, और ये हूँ नजफ खान सर। सुनाए कैसे हैं गाइस? खैरियत से? हम माशाल्लाह से अब नाश्ता करने लगे हैं, हमारी सुबह हो गई है। आज हमारे इस्लामाबाद में फर्स्ट डे है, और जो हमारे मामलात हैं एक्साइज ऑफिस के, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, और हमारा सी फोर कजन्स चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। हाँ जी व्यूअर्स, हम लोग बस निकल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, यहाँ से हम लोग सीधा एक्साइज ऑफिस जाएंगे, और उसके बाद जो थोड़े बहुत और दो चार काम है वो करेंगे। अभी भाई ब्रो, नहीं भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई, सभी भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यस हाँ जी, तो व्यूअर्स हम ये अपना एक्सप्रेस इस्लामाबाद हाईवे पे हैं, और बस इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं एक्साइज ऑफिस। मुनी, पहले हमें एक्साइज जाना है या I-8 जाना है? हाँ, I-8 जाएंगे, वहाँ पे हमारा जानने वाला है, उसे पिक करेंगे, क्योंकि उसके रेफरेंस से ज़रा हमारा काम जल्दी हो जाएगा ना, अपना गाड़ी ट्रांसफ़र वाला। तो बस यही अभी डिसाइड हुआ है कि उसे पिक करके फिर हम लोग I-8 की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह का ख्याल करे इंशाल्लाह, आराम से भाई। यस, ब्रेकर चले कहीं नहीं गए? अच्छा, लो जी हम लोग पहुंच गए हैं खैरियत से I-8। चले सभी भाई आ जाए। ये बस हम लोग आए I-8, अभी उस बंदे से मिलेंगे, और ये मुनीब भाई बड़ा जबरदस्त मरकज है भाई ये तो। बस ये बस हमारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये डोर स्टेप पे इन लोगों ने मतलब सर्विस दी हुई है। हमने I-8 मरकज में इन लोगों को लोकेशन सेंड की, तो यहीं पे आ गए ना, तो बहुत अच्छी सर्विस है गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराने की। आपको ऑफिस वगैरह जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका सारा काम ही ऑनलाइन हो जाता है। तो ये मुनीब भाई भाई जूस वगैरह भी चला रहे हैं यहाँ पे, मीठा शलबत, मीठा शलबत भी चला रहे हैं यहाँ पे। मुनीब भाई मुझे दे देना यार, आप मेहरबानी करें यार, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता मुझे। मुनीब भाई आप बताएं थोड़ा सा इस एरिया के बारे में। यार ये एरिया I-8 है, हम आए में अभी, ये सभी भाई की रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह बताते हैं आपको, आगे चलते हैं जहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये ठंडा शरबत है, मीठा शरबत है, क्या पी मैंने? ले जी, हमारा काम हो गया माशाल्लाह से, हमने गाड़ी ट्रांसफर करा ली, और हम अब यहाँ से जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई मुनीब? हम अभी ये सभी भाई का कोई काम शाम में कुछ चीजें उठानी है। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे ग्रिड की तरफ, F8 साइड पे। जी जी हाँ, उसके बाद फिर हम F8 भी हमने जाने, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी थी सभी भाई की, वो उठा के उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। नीचे उतरेंगे ना जी। तो व्यूअर्स हम लोग पहुंच गए हैं अपना E8 ग्रीज स्टेशन, यहाँ पे हमारे अंकल का घर है, और यहाँ पे हमारा कोई स्टे है 5 से 10 मिनट का, जो यहाँ पे हम लोग लाए थे इनके लिए चावल, कच्चे चावल, वो इधर ड्रॉप हाँ, करने वो इधर हम उतार के उसके बाद फिर आगे का देखते हैं कि क्या हम जाके टाइम पास करें अपना। सभी भाई डिग्गी शिग्गी खोलें यार, डिग्गी शिग्गी खोलें इसका। जी हमारे चावल पड़े, मुनीब भाई इसको जरा निकाल लेना भाई। जी जी, फिर एजाज को ऊपर कॉल करते हैं। एजाज, एजाज को भेजो भाई नीचे, एजाज को भेजो।
How are you, boy? I'm fine. कुछ अपने बता दें कुछ अपने बारे में। ये हम P8 पे हैं। जहाँ पे अपने मैं इंट्रो उनको क्या दूंगा यार, मुझे जानते हैं सब व्यूअर्स, फैन है मेरे। क्या इंट्रो दूं इनको? अजाज भाई, ये हमारे अजाज भाई हैं, हमारे छोटे से, बिल्कुल छोटे से कजन। ये आज हैं अजाज भाई। अजाज भाई, ये सभी भाई, ये मुनीर भाई हैं, जानते होंगे गुनाहगार इंसान को आप। अच्छा, आओ अंदर आओ। हाँ, अंदर ही आएंगे हम भाई, ठहरने के लिए थोड़ी देर। डेर इस्माइल खान से। बड़े गलत टाइम पे आए हो। टिक्का बोटी, कोई रोटी छोटी, समोसे वगैरह। समोसे? अच्छा, नहीं ये हम वापस ले जाएंगे भाई जी, नाप के ले लाए, उठाए इसको बाहर निकालें। सूट खाओगे नहीं? ये जी हम गाड़ी बंद करके बस जी, अजाज भाई तो लगे हुए हैं हमारी खिदमत के लिए, कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। किसने नार, तुम लोग किधर व्लॉगों में लगे वो? जी जी, अजाज भाई इज कमिंग। क्या है भाई, क्या लेकर आ रहे हो? समोसा। अबे साले सेट कर यार। यार भाई एक मिनट ये टिश्यू बॉक्स नीचे कर देना, मैं और चीजें ले आऊं। किसी से जरूरत नहीं है, बस बोतल शोतल पकड़ो। तू मेरा पुतल छुट्टी का, छोले वगैरह ना ठीक है लाओ ना यार। जी नजब भाई खाने लगे, देख लें, दिखाएं व्यूअर्स को। जबरदस्त आजाद भी, यहाँ पे कितने का मिलता है समोसा इस्लामाबाद में? 40 का। ओह माय गॉड, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? बेहतरीन है यार, यूनेस का समोसा। ये हमने ना फ्रंट जो इसका मिरर है वो ब्लैक कराना था ना, क्योंकि बाद तो तकरीबन ही ब्लैक है, ये फिर आगे से थोड़ा सा नजर आता है। सर आपकी शॉप का क्या नाम है? कुरैशी ब्रदर। कुरैशी ब्रदर, जरा एड्रेस भी बता दीजिएगा अपना। कुरैशी ब्रदर, तुमासम बाद मोड़ 400। ये व्यूअर्स जब भी आपका चक्कर लगे तो इन भाई के पास लाजमी आएगा, ये माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा काम है और बहुत ही बेहतरीन इनका मतलब के काम, शॉप वगैरह। ये अपना उमरी पे ये सुल्तान का खूह बोला जाता है ना? हाँ, सुल्तान का खूह है ये। सुल्तान का खूह, काम वगैरह स्टार्ट है हमारा, पेपर शेपर लग रहे हैं। हाँ जी गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी अली भाई के पास और उनके साथ गपशप भी होगी इंशाल्लाह, तो देखें फिर लेट्स सी क्या होता है। हमने गाड़ी का काम कराना था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से, और बाकी अभी अली भाई के साथ जो गपशप होनी है, फिर शायद खाने का कोई प्लान बन जाए, तो बाकी वहाँ जा के देखते हैं कि क्या सीन है आगे का। ले जी, हम अली भाई के पास पहुँच गए हैं और अली भाई अस्सलाम वालेकुम। हमने इसके अलावे रिम की कॉपी भी की है, ये हमारे व्हील कॉप्स लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ये हमने व्हील कॉप्स चेंज कराए अली भाई। हाँ जी गाइस, हमारी गपशप स्टार्ट है। अब्दुल्ला भाई, मज़ा आ रहा है अब्दुल्ला भाई? बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है, ये वो बंदे हैं जो दुबई गए और दुबई ख़त्म। हाँ जी व्यूअर्स, हम लोग अली भाई को पिक करके और आ गए थे हम बट कढ़ाई पे। ये अपना बट कढ़ाई, बहुत बेहतरीन इनका टेस्ट है, और हमारी रोटी छोटी भी आ चुकी है अली भाई, रोटी छोटी आ चुकी है हमारी। ये टिक्के सिक्के किधर है? ये हैं भाई। और बस आज का व्लॉग हम यही एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से खाना खा के फिर हमने अली भाई को ड्रॉप करना है, और भी कज़न मुतहरी भाई भी आए हमारे साथ इस बार।
और उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से हम लोग रेस्ट वेस्ट करके सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।